ओके तो भाई क्या फाइनल हमारे तब बाई पर रैंडी ऑटन फिर से हो गए एलिमिनेशन चेंबर के अंदर इंजर्ड। साथ ही साथ भाई आखिर कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस दोनों मिलकर क्या गेम खेलने वाले रोमन रेज और रॉक के साथ, सारा कुछ डिस्कस करने वाले आज की इस वीडियो के अंदर। तो भाई आज का वीडियो सच में बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल का होने वाला, तो आइए हम शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ भाई फाइनली आप लोग का प्यार से 600K सब्सक्राइबर मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट हो चुका है। मैंने 600K स्पेशल Q&A वीडियो चैनल के ऊपर नहीं लाया तो मैं कल चैनल के ऊपर लाने वाला हूँ। और आप लोग उस Q&A वीडियो के अंदर WWE से हटकर आपको जो भी मेरे बारे में सवाल पूछना है सारे लोग आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे से रिलेटेड सवाल पूछ सकते हैं, YouTube से रिलेटेड पूछ सकते हैं, देश से रिलेटेड पूछ सकते हैं, भाई जो भी आपके माइंड में सवाल है भाई सारे आप लोग पूछ सकते हैं। बस वो सवाल WWE से हटकर होना चाहिए। तो भाई सारे लोग जाओ कमेंट सेक्शन में, सबसे पहले सारे लोग जाकर कमेंट करो। तो सबसे पहले बात करते हैं रिया रिप्ली के बारे में। तो भाई रिया रिप्ली फाइनली एलिमिनेशन चेंबर को विन कर चुके हैं। ट्रिपल एच की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आया रिया रिप्ली के, और उन्होंने रिया रिप्ली के बारे में इस बात को बोला कि रिया रिप्ली जहां भी जाएगी वो मेन इवेंट फिगर के अंदर ही रहने वाली, मेन इवेंट ही करने वाली। देखते हैं भाई रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट को मे भी रिया रिप्ली का मैच और बैकी लिंच का मैच मे भी मेन इवेंट कर सकता और है। हाँ मैं आपको बता दूं भाई इस मैच का रूमर आज से नहीं आ रहा, आज के करीब 5 से 6 महीने पहले से RW वाले इस मैच को मेन इवेंट के अंदर रखने वाले। और मैं आपको बता दूं भाई बैकी लिंच के लिए ये काम पहली बार नहीं है, 2019 में ऑलरेडी रेसलमेनिया को मेन इवेंट बैकी लिंच कर चुकी है, जबकि 2019-20 तक भाई रेसलमेनिया सिंगल नाइट का ही हुआ करता था। तो भाई बैकी लिंच वर्सेस रिया रिप्ली का मैच डेफिनेटली इस बार का रेसलमेनिया को फर्स्ट नाइट को शायद से मेन इवेंट कर सकता है। वैसे बुरा मुझे सेथ रॉलिंस के लिए लग रहा है भाई, उनको इस बार भी नहीं मौका मिला रेसलमेनिया को मेन इवेंट करने। वैसे मैं आपको बता दूं भाई WWE वाले ने टोटल करेंट टाइम में 4 मैचेस को रेसलमेनिया 40 के लिए पहले से एडवर्टाइज कर दिए। आप लोग यहां पर चारों मैचेस देख सकते हैं भाई, ये चारों मैचेस मेन टाइटल के लिए होने वाला। तो भाई आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए क्योंकि भाई यही मैच रेसलमेनिया का मेन फोकस होने वाला, क्या आप इस मैच से सेटिस्फाई हो फिर नहीं सेटिस्फाई। मेरे ख्याल से भाई मैं काफी सेटिस्फाई हूं भाई, रोमन रेंज रेसल कर रहे हैं, सेथ रॉलिंस रेसल कर रहे हैं भाई, और हमें क्या चाहिए। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं भाई रिया रिप्ली और बैकी लिंच का मैच रेसलमेनिया के फर्स्ट नाइट को मे बी मेन इवेंट कर सकता। वैसे मैं आपको रिया रिप्ली का एक फोटो भी दिखाता हूं जो कि पर्थ स्टेडियम का, जहां एक्चुअली एलिमिनेशन चेंबर हुआ। नेक्स्ट में बात करते हैं सैड्रिक अलेक्जेंडर के बारे में। तो भाई मैं भूल गया WWE कंपनी के अंदर करेंट टाइम में है या फिर नहीं, पर हाँ इनका एक न्यू लुक का फोटो निकल कर सामने आया सोशल मीडिया को। आप लोग यहां पर देख सकते हैं इनका जो भाई लुक है, मतलब न्यू वाला, काफी कमाल का लग रहा है, इसलिए मुझे लगा मुझे आपको दिखाना चाहिए। नेक्स्ट में बात करते हैं डेकोटा काई के बारे में। तो भाई डेकोटा काई के बारे में फाइनली रिपोर्ट निकल कर सामने आ चुका ऑफिशियली कि ये मेडिकली बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। मतलब भाई अगर डेकोटा काई चाहे तो भाई कल से मैच के अंदर रेसल कर सकते, बिल्कुल मेडिकली क्लियर हो चुकी है। हाँ भाई अब सवाल है कि भाई अब बेली उनको ट्रस्ट कर चुकी है, तो भाई क्या ये बेली का मतलब ट्रस्ट को ऊपर मतलब खड़ा उतरने वाली है? क्योंकि भाई WWE वाले जिस तरीके से इनका स्टोरी लाइन को दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से भाई डेकोटा काई धोखा देने वाली है बेली को। आप लोगों ने अगर नोटिस किया होगा तो डेकोटा काई का जो इंजरी वाला सेगमेंट दिखाया गया था उसके अंदर भाई फाइटिंग सीन दिखाया नहीं गया। तो जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ भाई, सारा चीज मेरे ख्याल से एक प्री प्लांड सारा चीज चल रहा है, मतलब बेली को फंसाने के लिए। वैसे भाई अब रेसलमेनिया 40 होने, 1 महीने से थोड़ा सा ज्यादा टाइम बचा हुआ है, तो आप लोगों को सारा चीज क्लियर हो जाएगा बहुत ही जल्द। नेक्स्ट में बात करते हैं ड्रू मैकइंटायर के बारे में। तो भाई ड्रू मैकइंटायर एलिमिनेशन चेंबर से पहले इस बात को बोले थे कि अगर मैं हार जाएगा तो मैं मतलब यूजलेस हो जाऊंगा, मतलब CM Punk जैसा। आप लोग समझ सकते हो कितना गहरा बात था कि CM Punk जिस तरीके से WWE कंपनी के अंदर आए वो फिर से इंजर्ड होकर यूजलेस होकर चले गए फिर तो से। भाई आप लोग कह सकते हो ड्रू मैकइंटायर ने जिस बात को बोला था उस बात को एलिमिनेशन चेंबर के अंदर उन्होंने प्रूव भी किया। और मेरे ख्याल से ड्रू मैकइंटायर के पास करेंटा में सबसे बड़ा चीज लक था, क्योंकि भाई अगर CM Punk इंजर्ड ना हुए होते तो ड्रू मैकइंटायर को कभी मौका ही नहीं मिलता। भाई आप लोग समझ सकते हो सारा चीज करेंटा में एक लक का गेम है। नेक्स्ट में बात करते हैं मुस्तफा अली के बारे में। तो भाई मुझे आपको ये न्यूज़ जरूर से बताना, मुस्तफा अली भाई करेंट टाइम में चैंपियन बन चुके हैं। मेरे ख्याल से भाई सारे लोगों को पता होगा मुस्तफा अली करेंट टाइम में TNA के अंदर, जिसके अंदर वो एक्स डिवीजन के चैंपियन बन चुके हैं। हाँ भाई स्पेशली मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि भाई मुस्तफा अली WWE कंपनी से जाने के बाद भी काफी अच्छा वो काम कर रहे हैं। आप लोगों ने रिसेंट टाइम में देखा भाई डॉल्फ जिगलर भी करेंट टाइम में इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर चैंपियन बन चुके हैं। नेक्स्ट में बात करते अपने द वाइपर रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो क्या रैंडी ऑर्टन भाई इंजर्ड हो चुके, क्योंकि भाई उनको बहुत जोड़ का इंजरी हुआ था मतलब एलिमिनेशन चैंबर के अंदर। भाई देखो अगर हम लोग करेंट रिपोर्ट का बात करें तो भाई अभी तक किसी भी सोर्सेज की तरफ से इस बात का क्लेम नहीं किया गया कि रैंडी ऑर्टन भाई फिर से इंजर्ड हो चुके हैं। जिस तरीके से उनको चोट लगा था भाई, बहुत सारे लोग ऐसा मतलब मान रहे कि हाँ उनको शायद से फिर से इंजरी हो चुका है शायद से थोड़ा सा। भाई एग्जैक्टली क्या न्यूज है मेरे ख्याल से भाई आप लोग को मतलब आज या कल तक आपको वेट करना होगा, तब आपको ऑफिशियली न्यूज मिलेगा। पर हाँ भाई ड्रू मैकइंटायर हमारे MBA चाय वाले जैसे हैं, उनके रास्ता में CM Punk आए बेचारे इंजर्ड हो गए, उनके रास्ता में रैंडी ऑर्टन आए भाई बेचारे इंजर्ड हो गए। भाई रैंडी ऑर्टन के बारे में एग्जैक्ट जब रिपोर्ट आएगा तो मैं आपको जरूर से बताऊंगा, पर हाँ करेंट में भाई मेरे ख्याल से मामला उतना भी सीरियस नहीं इनके, क्योंकि भाई अगर सीरियस होता तो भाई रिपोर्ट सबसे पहले आ जाता इनके। नेक्स्ट बात करते हैं जिंदर महाल के बारे में। तो भाई मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ जिंदर महाल के बारे में। सोनी का कोई शो था भाई, उसके अंदर जिंदर महाल रिसेंट टाइम आया था इंटरव्यू देने के लिए। वहां मतलब इनसे इंटरव्यूअर जब पूछे कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं रेसलमेनिया 40 के अंदर, इनसे पूछा जाता है क्या आप कोडी रोड्स के टीम के तरफ या फिर रॉक के टीम के तरफ है, जबकि मतलब रॉक आपको मारे भी तो भाई मतलब स्टील रॉक मतलब जिंदर महाल के ऊपर अटैक किए थे, हील कैरेक्टर ये ऑलरेडी प्ले कर रहे हैं, उसके बावजूद भी भाई ये रॉक के टीम के तरफ। भाई मुझे तो बड़ा अच्छा लगा, इन्होंने साफ तरीके से इस बात बोला कि मैं कोडी क्राई बेबी की तरफ मैं बिल्कुल भी नहीं रहना चाहता।
तो भाई इसलिए मैं इस बात को बोलता हूँ, जितने भी भाई इंडियन फैन है वो रॉक के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते, रोमन रेंस के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते। नेक्स्ट बात करते हैं टिफनी के बारे में, तो भाई टिफनी ने रिसेंट टाइम में इस बात को बोला कि मतलब एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर उन्होंने जो क्राउड देखा था अपने लाइफ का सबसे मतलब बड़ा क्राउड देखा था। भाई मैं तो टिफनी को इसी बात को बोलना चाहूंगा कि कभी ऑल इंडिया के अंदर उसके बाद तुम क्राउड का रिएक्शन देखो, हाँ टिफनी क्रिकेट मैच देखने मत आ जाना क्योंकि वहाँ इंडिया हमेशा हारता ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट में बात करते हैं अपने 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सिन्हा के बारे में, तो भाई ये थोड़ा सा फनी न्यूज है जॉन सिन्हा को लेकर। जॉन सिन्हा ने रिसेंट टाइम इस बात को बताया कि मुझे WWE कंपनी के अंदर हर चीज को लेकर मुझे छूट मिला हुआ है, वो WWE कंपनी के अंदर चाहे जो भी वो कर सकते पर वो कभी भी अपना हील टर्न नहीं कर सकते। मतलब भाई WWE वाले ने साफ तरीके से इस बात को मना किया कि बेटा मतलब तुम हील टर्न कभी नहीं कर सकते। भाई आपको जॉन सिन्हा का हील करेक्टर आपको इसलिए देखने को नहीं मिलता क्योंकि भाई WWE वाले ने पहले से ही मना कर दिया कि हील करेक्टर आप नहीं कर सकते। और अब मेरे ख्याल से भाई जॉन सिन्हा जो अपने प्राइम टाइम में हील टर्न नहीं किया तो भाई अब करेंट टाइम में क्या ही वो हील टर्न करेंगे। वैसे भाई जॉन सिन्हा फिर से रेसलमेनिया 40 के अंदर वापस आ रहा है, ऐसा मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से रिपोर्ट निकल कर सामने आया। आपको जॉन सिन्हा वर्सेस ग्रेसन वॉलर का ही मैच इस बार का रेसलमेनिया 40 के अंदर शायद से आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि भाई ग्रेसन वॉलर एलिमिनेशन चैंबर के अंदर सीना शख्स का चाइंट लगवा दिया। तो भाई ये थोड़ा फनी है, अब देखते हैं यार जॉन सिन्हा आते हैं तब स्मैकडाउन के ऊपर क्या कुछ होता है, अभी तो भाई फिलहाल एक दो हफ्ता नहीं आने वाला। नेक्स्ट बात करते हैं सीएम पंक के बारे में, तो भाई सीएम पंक एलिमिनेशन चैंबर खत्म होने के बाद एक दुख वाला पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सीएम पंक भाई बस वही लिख रहे होते कि मैं भी एलिमिनेशन चैंबर के अंदर मैच के अंदर मैं रेसल कर रहा होता, इंजरी के कारण उनका सपना नहीं पूरा हुआ, इसलिए मतलब वो करेंट टाइम में थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हुई। भाई मे बी सीएम पंक को अगले साल फिर से एलिमिनेशन चैंबर के अंदर मौका मतलब मिलेगा भाई। और भाई मैं तो यही बोल रहा हूँ कि भाई तू ड्रू मैकइंटायर से दूर रहने तो भाई वो इंजर्ड कर देगा फिर। नेक्स्ट बात करते हैं ऑस्टिन थ्योरी के बारे में, तो भाई ऑस्टिन थ्योरी का कितना फटता है ब्रॉक लेसनर से रिसेंट टाइम में भाई इस बात को बता दिए। ऑस्टिन थ्योरी बताते हैं कि 2022 के एलिमिनेशन चैंबर के अंदर जब ब्रॉक लेसनर ऊपर से इनको F5 लगा दिए थे तो उनको लगा था कि मैं लिटरली मर चुका हूं। मतलब ऑस्टिन थ्योरी का इस चीज का बिलीव हो चुका था कि मतलब उनका कैरियर एंड करने वाला F5 है। तो भाई आप लोग समझ सकते हो यार बिना ब्रॉक लेसनर का एलिमिनेशन चैंबर देखने में भाई मजा ही नहीं आता। मैं जब कल एलिमिनेशन चैंबर लाइव किया था तभी मैं इस बात को इंस्टाग्राम के ऊपर भी बताया था कि यार ब्रॉक लेसनर को देखने में बड़ा मजा आता है एलिमिनेशन चैंबर के। नेक्स्ट बात करते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में, तो भाई मैं AEW कंपनी का न्यूज नहीं देखता हूं पर भाई जिस तरीके का डीन एम्ब्रोस का करंट टाइम में कंडीशन भाई बहुत ज्यादा बैड है। आप लोग देख सकते हैं डीन एम्ब्रोस करंट टाइम में थोड़ा थोड़ा बुढ़ा दिखना शुरू हो चुका है, उसके पीछे का ये रीजन है कि बहुत ज्यादा हार्डकोर करंट टाइम में रेसलिंग कर रहे हैं। सही बता रहा हूं AEW कंपनी के साथ इन्होंने 6-7 साल का मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया पर भाई उससे पहले ही रिटायर हो जाएंगे। आपको बिलीव नहीं होगा भाई इतना गंदा तरीके से रेसल करते हैं, मैं 2-3 वीडियो इनका देखा सोशल मीडिया के ऊपर, सही में भाई बुरा लगता है। अगर WWE कंपनी के अंदर होते तो भाई इनका रेसलिंग करियर काफी लंबा भी होता, AEW कंपनी के अंदर भाई मुझे नहीं लगता 6-7 साल से ज्यादा चलने वाला इनका रेसलिंग करियर। नेक्स्ट बात करते हैं बैकी लिंच के बारे में, तो भाई आप लोग ये ट्वीट बैकी लिंच की तरफ से देख सकते हैं जिन्होंने चैलेंज कर दिया रिया रिप्ली को, और ऑब्वियसली बात है भाई अब तो इनका मैच होने वाला तो हमें रॉक ऊपर एक तगड़ा वाला फेस ऑफ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में, तो भाई सेथ रॉलिंस का जो सेगमेंट हुआ था मतलब एलिमिनेशन चैंबर के अंदर उसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए। तो बेसिकली सेथ रॉलिंस ने सबसे पहले इस बात को बोला था कि वो जस्ट मेडिकली क्लियर होने वाले हैं, और साथ ही साथ कोडी रोड्स ने अपने तरफ से इस बात को बोला था कि मैं रॉक को चैलेंज करने वाला हूं, इसके ऊपर सेथ रॉलिंस ने बोला था कि मैं तुम्हारे साथ। तो भाई अगर देखा जाए तो भाई करेंट टाइम में कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस भाई बिल्कुल मतलब सगे भाई जैसा एक हो चुके हैं, दोनों मिलकर ही रोमन रेंज और रॉक को चैलेंज किया। मतलब भाई ये मैच WWE वाले एक्चुअली में करवाने ही वाली है, आपको ये मैच रेसलमेनिया के अंदर देखने को न मिले पर WWE वाले किसी स्मैकडाउन के शो के ऊपर शायद से कुछ करवा सकते हैं। ऐसी बात है उस मैच का एंडिंग क्लियर तरीके से नहीं होने वाला क्योंकि भाई रेसलमेनिया से पहले WWE वाले किसी को नहीं हरवाएंगे। हाँ भाई इनके बीच में भाई कुछ न कुछ जरूर मैच वगैरह होने वाला है रेसलमेनिया से पहले, इस बात को आप लोग कंफर्म मान लो। मेरे ख्याल से भाई आप लोग अगले स्मैकडाउन या फिर मंडे नाइट रॉ तक वेट करो भाई, आपको और भी ज्यादा ये बात क्लियर हो जाएगा क्योंकि भाई आप बीच में कोई पीपीवी नहीं, आप सारे रेसलर ओपनली चैलेंज करने वाला, ओपनली फेस टू फेस करने वाला, ओपनली फाइट करने वाले। भाई रॉ के ऊपर आई होप आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा, नहीं तो स्मैकडाउन के ऊपर रोमर एज आ गए भाई तब तो मतलब 100% क्लियर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से भाई आप लोग थोड़ा सा वेट करना चाहिए क्योंकि भाई करेंट टाइम में सेथ रॉलिंस और कोडी रोड्स ने अपना इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दिया, तो अब बस रॉक और रोमन रेंस का रिप्लाई बस आना बाकी है। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर सेथ रॉलिंस इंजर्ड नहीं हुए होते तो भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का मैच होने वाला था, और भाई ये कोई फेक न्यूज नहीं है भाई, मल्टीपल सोर्सेज की तरफ से ये न्यूज कंफर्म किया गया। अगर आपको नहीं पता तो भाई ब्रॉन्सन रेड भी ऑस्ट्रेलिया के हैं तो WWE वाले एक मूवमेंट उनको देना चाहते हैं। ऐसे भी भाई ग्रेसन वाला इफेक्ट्स के अंदर भाई हमें कुछ ज्यादा देखने को ही नहीं मिला यार, मतलब बस एक अनाउंसमेंट ही था छोटा सा। वैसे भाई मेरे ख्याल से अगर हम लोग एलिमिनेशन चैंबर पीपीवी के बारे में बात करें तो भाई मेरे ख्याल से ओवरऑल पीपीवी काफी अच्छा था। WWE वाले ने भाई पूरे पीपीवी के अंदर सिर्फ एक गलती किया कि उन्होंने रॉक और रोमन रेंस को नहीं बुलाया, और ये मेरे ख्याल से भाई WWE वाले करवा देती तो मेरे ख्याल से भाई काफी अच्छा चीज होया। वैसे भाई अब आपको बहुत सारे नेक्स्ट रिवाइवल आपको मंडे नाइट रॉ स्मैकडाउन के ऊपर देखने को मिलने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो के अंदर। जैसे भाई एलिमिनेशन चैंबर के अंदर भाई लोगन पॉल ने रैंडी ऑर्टन के ऊपर अटैक कर दिया था, तो आपको लोगन पॉल और रैंडी ऑर्टन का अब रिवाइवलरी आपको देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ भाई अगर हम लोग एजे स्टाइल का बात करें तो भाई एजे स्टाइल आकर एले नाइट को बजा दिए थे, तो आपको इनका भी रिवाइवलरी देखने को मिलने वाला है। भाई अभी से लेकर रेसलमेनिया 40 तक आपको जितने भी रिवाइवलरी देखने को मिलने वाला है सारा रिवाइवलरी रेसलमेनिया 40 को ही लीड करने वाला है। आप लोग बस थोड़ा सा वेट कर लो,
भी बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल को पर आने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई सारे लोग वीडियो को लाइक करो, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, जिन लोग को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर सारे लोग आ जाओ।